कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो HDL होता है, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। LDL को कम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वेट मैनेजमेंट कर लेना, प्रॉपर डाइट प्लानिंग करना और लाइफस्टाइल चेंजेस। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान ऐसे 6 आप लोगों को हर्ब्स बताने वाली हूँ, जो कि आपके घर में मौजूद है और उसकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहली जो सामग्री आपको लेनी है वो लेनी है गूसबेरी, जिसे हम आंवला बोलते हैं। और आंवले का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ता है और इससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी LDL बहुत ही जल्दी हमारे शरीर से फ्लश आउट होने लगता है, कम होने लगता है। आंवले का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, एक दिन में आप 2 आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का या तो आप सिरके में डालकर इसे खा सकते हैं या फिर आंवले का चूर्ण का इस्तेमाल। आंवले का चूर्ण आपको एक दिन में 2 टीस्पून ही इस्तेमाल करना है। इसे 2 वक्त लेना है, एक आपको सुबह में लेना है और एक आपको शाम को लेना है। आंवले को का इस्तेमाल खाना खाने के जस्ट बाद ही हमें ले लेना है। दूसरा है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन एक ब्लड थिनर का काम करता है। जब भी हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाती है तो हमारे नसों में जाकर ये आर्टरीज में जाकर अंदर से चिपकने लग जाती हैं। ये एक वैक्स की तरह पदार्थ होती है। तो गार्लिक में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एलिसिन, और ये बहुत अच्छा काम करता है उसको जल्दी से फ्लश आउट करने में, साफ करने में, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होने लगता है और ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने लगता है। तो हमें गार्लिक का प्रयोग कैसे करना चाहिए? लहसुन का प्रयोग हमें सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए छोटी कलियां हैं तो 2 कलियां, बड़ी कलियां हैं तो 1 कली ही इस्तेमाल करना शुरू करें। सुबह सुबह खाली पेट आपको इसे चबाकर खा लेना है, उसके बाद आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी पी लेना है। इससे आपका ब्लड जो है वो थिन होने लग जाएगा, पतला होने लग जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर आप ब्लड थिनर का कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो गार्लिक को खाने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर के कंसल्ट जरूर से कर लें, वैसे ये बिल्कुल ही सेफ होता है। तीसरी जो हमें सामग्री लेनी है वो लेनी है फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड्स यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं उसको हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए। हमारे शरीर में HDL जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे वो LDL को सप्रेस करता है, कम करने लग जाता है, और जिससे हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कंट्रोल होने लग जाती है, क्योंकि HDL हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करता है। आपको इसे कैसे लेना है? अलसी के बीज का प्रयोग हमेशा हमें ड्राई रोस्ट करके करना चाहिए। इसे आपको 3 मिनट के लिए हल्के धीमे आंच पे आपको इसे रोस्ट कर लेना है, उसके बाद ठंडा करके इसका पाउडर बना लेना है। डब्बे में रख ले, 15 दिन तक आप इस पाउडर को रख सकते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति के लिए एक दिन में आपको 1 टेबल स्पून यानी 15 ग्राम के बराबर अलसी के पाउडर का प्रयोग करना है। इसे आप अपने दही में मिलाकर खा सकते हैं, छाछ में मिलाकर खा सकते हैं, सैलड में छींट कर खा सकते हैं, या खाने में भी मिलाकर दाल के साथ खा सकते हैं। इसबगोल। इसबगोल का इस्तेमाल FDA ने भी अप्रूव कर दिया है कि इसका अगर इस्तेमाल हम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है, जिससे हमारे हार्ट के अटैक के खतरे को बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। इसका प्रयोग हमें कैसे करना है? इसका प्रयोग हमें दूध में मिलाकर कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 1 टीस्पून इसबगोल की भूसी काफ़ी होती है। इसबगोल में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जिससे जिनको भी कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, अपच की शिकायत रहती है, तो उनको इसका इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए। ये डाइजेशन में मदद करता है, साथ ही साथ ये हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है। फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स को हम मेथी के बीज बोलते हैं। मेथी के बीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए। हमारे शरीर में जब डायबिटीज़ बढ़ने लग जाता है तो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ को उत्पन्न करने का।
तो जैसे हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो हम बहुत हद तक अपने हार्ट को हेल्दी रख लेंगे और होने वाले इसके बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। तो इसको आपको कैसे प्रयोग करना है, तो एक व्यक्ति के लिए 1 टी स्पून यानी 5 ग्राम के बराबर आपको मेथी के बीज ले लेने हैं और रात में इसे आधा कप पानी में डालकर भिगो कर छोड़ देना है। सुबह में आप इस बीज को चबा चबा कर खा लें और इस पानी को भी पी लें। इससे आपकी जो इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या है वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगेगी, कम होने लगेगी और आपके आने वाले फ्यूचर में आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और होने वाले जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जो खतरे हैं उससे आप बच सकेंगे। लास्ट में बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही अच्छा हर्ब जिसका इस्तेमाल अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी में बहुत अच्छी मात्रा में फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये हमारे हार्ट को दिल को हेल्दी रखता है। ग्रीन टी का प्रयोग एक दिन में 2 बार ही करें। ग्रीन टी के प्रयोग करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, वो ये कि ग्रीन टी का इस्तेमाल हमें कभी भी खाली पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, अगर खाली पेट ही करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए ग्रीन टी का प्रयोग हमें हमेशा अपने ब्रेकफास्ट लेने के आधा घंटे के बाद ही करना है या फिर जो भी मील ले रहे हैं उसके आधा घंटे के बाद करना है। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही जल्दी मैनेज करता है, एलडीएल को, और साथ ही साथ ये आपके शरीर में आपके खून की भी सफाई करता है। खून की सफाई करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें और इसकी मदद से वो अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या को से छुटकारा पा सकें। हमारे चैनल पे ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ज़रूर से दबा लें क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सकेगी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।